नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 28 से अब मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वहीं सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंपी है। वहीं राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामले पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया गया है कि गेम जोन के शेड में वेल्डिंग का काम चल रहा था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि गेमिंग जोन में आग वेल्डिंग में निकली चिंगारी की वजह से लगी थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर विशेष बेंच सुनवाई करेगी। तो हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हादसे को लेकर एक विशेष बेंच जो है गठित की गई है, जिसके बाद अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेड में वेल्डिंग का काम चल रहा था और कहा जा रहा है कि इसी की चिंगारी ने आग का विकराल रूप लिया, जिसमें कि मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले 28 थी, ये बढ़कर 32 हो चुकी है। अभी भी लगातार फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो 99 वाली स्कीम जिंदगी पर भारी पड़ रही है। गेमिंग जोन में किस तरीके से आग लगी, उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि राजकोट के गेमिंग जोन में यह भीषण अग्निकांड कैसे हुआ और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही और कितने किरदार हैं। हर तरफ चीख पुकार, हर ओर मातम का शोर, नम आंखें, बिलखते लोह, दर्द से तड़पते दम तोड़ती जाने। राजकोट से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। शनिवार की शाम का वो मनहूस वक्त था जब राख में तब्दील हो चुके राजकोट के इस गेमिंग जोन में खुशियां ही खुशियां थी। बच्चे खेल में मशगूल थे तो उनके माता पिता उनकी खुशी में खुश थे। तभी अचानक से आग की लपटें उठी और पल भर में खुशी मातम में बदल गई। इस अग्निकांड के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया। दमकल की गाड़ियां आईं, जो बचे थे उनको निकालने की कवायदें हुईं। जिनकी सांसें थम चुकी थी उनके मृत शरीर को निकाला जाने लगा। कुछ लोगों के शरीर इस तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी चीखों, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? राजकोट हादसे का गुनहगार कौन है? गेमिंग जोन में हुई अग्निकांड के कितने किरदार हैं और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है? जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद ये तेजी से फैल गई। इस आग को ज्यादा फैलने में गेम जोन को जलाने वाले जिम्मेदार थे, क्योंकि जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक गेमिंग जोन में जनरेटर के लिए 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। यही नहीं, वहां पर 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी जमा किया गया था। जब आग लगी तो उसे भड़काने में पेट्रोल और डीजल का अहम रोल रहा। इसके साथ ही गेमिंग जोन में रखे टायर और थर्मोकोल शीट ने आग को भड़काने का काम किया, यानी वहां पर मौत के सामान की कमी नहीं थी। चूंकि शनिवार का वक्त था और गेम जोन में 99 रुपए एंट्री फीस थी, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आग लगने के बाद लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि गेमिंग जोन को तैयार करने में भीषण लापरवाही बरती गई थी। गेमिंग जोन की एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का एक ही गेट था, यानी कोई भी इमरजेंसी गेट नहीं होने से वहां से लोगों का निकल पाना मुनासिब नहीं हो पाया। यही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि गेमिंग जोन के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था और ना ही फायर डिपार्टमेंट से कोई NOC। इस हादसे में फायर डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है, क्योंकि जब NOC नहीं थी तो कैसे गेम जोन को चलने दिया गया?
गुजरात सरकार ने इस भीषण अग्निकांड के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। यानी गेमिंग जोन पूरी तरह से लापरवाही वाला जोन था, जिसकी वजह से इतनी जाने गई। अब इस लापरवाही के किरदारों को भी जान लीजिए। गेमिंग जोन के तीन पार्टनर हैं युवराज सिंह सोलंकी, प्रकाश जैन और राहुल राठौड़। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचेरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की तहकीकात आज से ही चालू की जाएगी और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस हादसे के जितने भी दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेबी केयर सेंटर में हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बेबी केयर सेंटर में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। मकान में ही यह अवैध अस्पताल चल रहा था। दूसरे अस्पताल के नवजात यहां शिफ्ट होते थे। अस्पताल में जब आग लगी उसके बाद लगातार वहां पर धमाके भी हो रहे थे। बेबी केयर सेंटर हादसे की नई तस्वीर सामने आई है जिसमें लगातार धमाके की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये आवाज आप सुनिए और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। योग रुक जा, योग मत जाना अभी, योग अभी नीचे गिर रहे हैं, अभी खोलियो मत। बिल्कुल अंदर सिलेंडर है सर, बम इधर फट रही है। हम तो आई नहीं थे, तेज आवाजें आ रही थी। कर दो एक बार, इनको अंकल को आइडिया होगा। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कहना था। एम्बुलेंस लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही थी और ब्लास्ट आप देखिए कैसे जो ब्लास्ट है वो हुआ है। एक के बाद एक कई बार ब्लास्ट हुआ केयर सेंटर में। बेबी केयर सेंटर है ये, अब उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई, कई सिलेंडर्स यहाँ पर रखे हुए थे जिनमें ब्लास्ट हुआ है। 7 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चा आईसीयू में भर्ती है। बेहद ही दुखद कि लोगों की लापरवाही की वजह से देखिए भुगतना किसे पड़ रहा है। नवजात जो कि दुनिया में आए उन्हें कुछ भी नहीं पता। 7 बच्चों की मौत की खबर आ रही है बेबी केयर सेंटर में हादसे पर। बड़ी खबर ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ था। इधर आ जाओ, आप लोग मान नहीं रहे। हट जाओ, हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो, निकल लो, निकल लो, ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। तो देखिए ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेबी केयर सेंटर में जब आग लगी, दूसरी तस्वीर ऑक्सीजन सिलेंडर में जब धमाका हुआ, बहुत तेज आवाज आई, सिलेंडर ब्लास्ट से दहशत है। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो तो बनाया लेकिन काफी दहशत, आग से हड़कंप मच गया। वहां पर जितने भी लोग आसपास के रहने वाले उन्होंने फौरन अपने घरों को खाली कर दिया। 7 बच्चों की बेहद ही दुखद 7 बच्चों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में कल देर रात जो अग्नि हादसा हुआ वो इतना भयानक था, आप सीधे कैमरे की तस्वीर से देख सकते हैं। ये बेबी केयर सेंटर था जो कि 120 गज में था। इसके भूतल पर आग लगी और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और इसके आसपास की जो भी इमारतें थी वो आग की चपेट में आ गई हैं। जिस समय अग्नि हादसा हुआ आपका हमें लगता है अस्पताल से 3रे नंबर का मकान है, दूसरा नंबर का मकान है, यहाँ कैसे सूचना आपको मिली? जैसे ही हम सोने गए रात को 11:15 बजे के करीब, तो एकदम से बम्बारमेंट हुआ। हम सब उठ के फैमिली वाले बाहर आए, दरवाजे खोले, दरवाजों के शीशे टूट गए, दरवाजे पट गए, गाड़ी का लोस हो गया, सब पूरे मकान में धुआं ही धुआं भर गया, गैस भर गई। यहाँ इनलीगल रिफिलिंग का काम होता है बड़े सिलेंडर से छोटे करने में।
तो दिल्ली में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगी है और इस पर पर्दाफाश हुआ है। हादसे को लेकर न्यूज 18 की जो टीम है वो पहुंची इलाके में और चश्मदीद ने सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की एक बात कही है। जिस अस्पताल में आग लगे उसके बराबर वाले घर में रहने वाले परिवार ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादी हमला हुआ हो। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में जो आग लगी थी और जिस वक्त यह पूरा का पूरा हादसा हुआ था पड़ोसी मौजूद थे वहां पर और इसी क्रम में एक जो बगल की रेसिडेंट है वो भी मौजूद थी। उनके सामने पूरी आग की जो घटना थी वो हुई और जिसके बाद उन्होंने संबंधित लोगों को सूचित किया। मैडम ये बताइए कहाँ थी आप जिस वक्त पूरा हादसा हुआ? हम वी वर एक्चुअली रिटायरिंग फॉर स्लीप। हम सब अपने अपने बेडरूम में थे। मेरे बेटे का रूम बिल्कुल रोड के एडजॉइनिंग है साइड में। उसने आकर के नॉक किया कि मामा बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया है और बहुत शोर हो रहा है और ये थोड़ा मेन रोड है तो आम बात है शोर, बट मैंने कहा एक बार देखते हैं कि हुआ क्या। लॉक खोला तो बाहर आग की लपटें निकल रही थी। हाथ में फोन था, मैंने कहा किसी तरह फायर ब्रिगेड को बुलाओ क्योंकि यहाँ बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिल का काम है, विच वॉज अ हेल्थ हैजार्ड। और बहुत बार हमने अपनी लोकल अथॉरिटीज को बताया भी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर। मेरे सामने सामने फायर स्टार्ट हुई, मैंने सीधा फायर इमरजेंसी के नंबर मिलाया, नंबर नहीं मिला। मेरे दो तीन वीडियो बने तो एक पूरा फायर का क्लाउड मेरे पास मेरी बैल्कनी में आया, एकदम ब्लैक क्लाउड। आई वॉज टेरिफाइड, मैं पीछे भागी, मैं इतना चीखी। मेरे इन लॉज सो रहे थे, वो मेरे हस्बैंड सब बाहर आ गए कि बस बाहर निकलो घर से। हमने बस घर बंद किया, मेड को निकाला, सामान निकले। इतनी देर के अंदर इम्पैक्ट इतना तेज हो गया, फायर सिलेंडर एक के बाद एक वो बस्ट करे जा रहे थे। हमारे घर के सारे कांच टूट टूट के गिर रहे थे, लाइट्स एमसीडीज हमने डाउन कर दी। हम किसी तरीके से अपने एजिंग इन लॉज के साथ हम नीचे उतरे, पर गेट लॉक था, गेट का लॉक खोलने की कोशिश करी, वो जाम, बाहर भयंकर स्मोक के क्लाउड। हस्बैंड ने बहुत एक चैलेंज लिया, गाड़ी के अंदर हमें बिठाया और एक झटके से गाड़ी बाहर निकाली। हम बाहर निकल करके थोड़ा सा अलग तो गए पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम, सामने सिलेंडर्स फट रहे हैं, पीछे फट रहे हैं, एकदम दिल दहलाने वाला अनबियरेबल चीज थी वहां पर देखकर। और अब बात